चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़ जाइए इंटीरियर ज्ञान की डिजाइनिंग दुनिया से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीरियर ज्ञान। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं एक ड्रेसिंग टेबल का मिरर का डिज़ाइन, जो कि काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो कि घूमने वाला मिरर होता है। तो आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है और क्या क्या इसकी साइज रखनी चाहिए, तो पूरा देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए फिर दोस्तों, वीडियो में चलते हैं। जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसका ये मिरर है, तो इसको किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले दोस्तों इसको साइज़ के बारे में बात करना पड़ेगा। तो इसकी चौड़ाई दोस्तों आप मिरर की मिनिमम 12 इंच रख सकते हैं, उसके अलावा भी आप थोड़ा सा ज़्यादा कम कर सकते हैं, 1-2 इंच। और उसके बाद दोस्तों आपको इसकी जो बॉक्स की डेप्थ होती है उसको बनाने के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये घूमने वाला होता है तो आपको थोड़ा साइज प्रॉपर रखना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा ये नहीं चल पाएगा। तो जैसा कि दोस्तों, ये अगर हमारा ये मिरर अगर 12 इंच का है तो अगर इसका आधा हम करेंगे तो 6 इंच होता है, तो आपको ये जो बॉक्स का डेप्थ होता है इसको आपको दोस्तों 7 इंच का लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर थोड़ा सा आप चौड़ा कर लेते हैं तो आपको उसी तरीके से डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें फिटिंग्स आती है, दोस्तों दोनों देख पा रहे हैं, ऊपर और नीचे की साइड में लग जाती है, तो ये प्रॉपर ये घूमने लगता है। उसके बाद दोस्तों इस पर हमारा मिरर लग जाता है और पीछे की साइड में हम लोग सेल्फ वगैरह लगा के इसको काफ़ी अच्छा बना देते हैं। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे, यही फिटिंग होती है जो इसमें यूज किया जाता है, ये काफ़ी आसानी से आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा और इसकी रेंज काफ़ी अच्छी होगी होती है दोस्तों। इसमें आप मेटल में भी और ये प्लास्टिक में भी आपको मिल जाता है, तो जो चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं इसको। उसके बाद आपको प्रॉपर 18 mm का बोर्ड या तो दोस्तों आप प्लाई यूज कर सकते हैं, और उसके बाद इसको एकदम करेक्ट सेंटर में दोस्तों आपको देख करके इस फिटिंग को लगाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा आप सेंटर से इसको मिस कर देते हैं तो ये प्रॉपर नहीं काम करेगा। उसके बाद इसको एकदम बराबर से जिस जगह पे आपको इस लगाना है, एक एक सूत चारों साइड से कम कर लेना है, ताकि ये काफ़ी फ्री रहे और आपको काफ़ी कुछ दिक्कत ना हो। तो इसके बाद दोस्तों आपको ये फिटिंग को सेंटर में लगा देना है। जैसे ही लगा लेंगे दोस्तों, आपको इसी तरीके से आपका जो बॉक्स रहेगा ड्रेसिंग का, उसमें भी सेंटर में आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इस फिटिंग को लगाने के बाद इसको बड़ी आसानी के साथ आप इसको फिट कर सकते हैं। काफ़ी देखने में दोस्तों काफ़ी प्यारा होता है, तो आजकल काफ़ी पसंद किया जा रहा है इसको, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाऊं। तो आपको तो दोस्तों मैं इसमें पूरा नहीं दिखा पा रहा हूं, बट थोड़ा छोटा छोटा क्लिप करके आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसको किस तरीके से फिट करना है, तो आप इसी तरीके से आप इसको फिट कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको फिट करने के बाद ऊपर और नीचे, जैसा कि दोस्तों देख पा रहे इस तरीके से ऊपर के साइड में भी उस फिटिंग को फिट कर लेना है। उसके बाद इसमें वही इंसर्ट करना पड़ेगा, दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से ऊपर की साइड में इंसर्ट करने के बाद इस तरीके से नीचे की साइड में भी आपको उसको इंसर्ट करके प्रॉपर फिट कर लेना है। उसके बाद ये आसानी के साथ फिट हो जाएगा। इसको फिट करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रू लगा देना है इसमें फिटिंग में। स्क्रू जैसा ही लग जाएगा तो आपका ये काम पूरा हो जाएगा। अभी दोस्तों देख पा रहे हैं ये हमारा फिटिंग वर्क कर रहा है। अभी हम इसमें केवल स्क्रू लगा देंगे। आप भी इस तरीके से इस फिटिंग को यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की अगर हमारी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।